दस स्कूल में यहाँ पर कुछ बच्चे खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे कि ये शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव चाहते हैं, इनको स्कूल में क्या परेशानी है और ये स्कूल में क्या सुधार चाहते हैं। ये व्यवस्था है कि तीनों लेब कम्बाइन है, हम चाहते हैं कि तीनों लेब अलग अलग हों। हमें मतलब वहाँ पर प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ पर व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा, तो मतलब कम्बाइंड में कौन कौन से क्लासेस में लेते हैं एक साथ वो लोग? नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों के लेब कम्बाइंड है, हम चाहते हैं अलग अलग हो ताकि हमें आसानी हो वहाँ पर। मतलब सर आपके यहाँ लेब की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? सर अभी हमारे यहाँ जो तीन लेब है तो एक ही कमरे में तीनों लेब संचालित हो रही है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है, और कमरे नहीं होने की वजह से एक ही साथ में सारे बच्चों को जो है 11th 12th को प्रैक्टिकल कराते हैं सर, और साथ में जैसे कुछ महत्वपूर्ण एग्ज़ाम होती है तो उसका कंट्रोल रूम भी बना लेते हैं। और अभी इसके पहले जो है राज्य ओपन से इस्टीमेट लेके गए हैं कमरे निर्माण के लिए कि अतिरिक्त कक्ष बन जाए ताकि अलग अलग जो है वो लेब संचालित हो सके, और बच्चों की संख्या ज़्यादा है हमारे यहाँ पर तो उसके हिसाब से भी उन्हें एस्टिमेट बना के ले गए हैं कि ऊपर छत पे जो है कमरे का निर्माण कर सके। कितने महीने पहले आए थे बोलो? चुनाव के पहले आए थे सर, आचार संहिता लगने के पहले। तो मतलब यहाँ पे जगह कम पड़ गई है ना? जी।